उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां चले गए लोहियावादी, उनको मैं भी सुनाना चाहता था। जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझकर के नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, लोहिया जी के शब्द है, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है, ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। आदरणीय, और कांग्रेस का हर कामकाज राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपास ही घूमता रहता है। जहां ज्यादा सीटें मिलती हो, राजनीति की अपनी खिचड़ी पकती है, तो वहां तो मजबूरन सही कुछ कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देश सुन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी, वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी, उसके प्रति सौतेला व्यवहार, ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था। लेकिन अध्यक्ष जी,
मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत मणिपुर भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था हर व्यवस्था